हेलो प्यारे बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है यसी वर्मा का। सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन समझते हैं, इसमें क्या कर रहा है। कहता है सर्टेन कंडीशन अप्लाई कर दिया। देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई किया है कि हमें वही ट्रांजिशन अलाउ है इन विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज चेंज बाई द टू। ध्यान देना, वही ट्रांजिशन अलाउ होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू चेंज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो फोर से सिक्स में जंप होगा, नहीं, सिक्स से या तो फोर में जंप होगा या तो एट से सिक्स में जंप होगा, इस टाइप से, ठीक है, या टेन से एट में जंप होगा। ठीक है, इस टाइप के ट्रांजिशन अलाउ हैं जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो चेंज हो रहा है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब कहता है अगर ऐसा कंडीशन है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इमिटेड बाय द हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं जो हम लोग बार बार बनाते हैं। तो एन इज इक्वल टू वन में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इज इक्वल टू टू में जो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इज इक्वल टू थ्री में जो एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड एन इज इक्वल टू फोर में जो एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद हो गया होगा हाइड्रोजन के केस में। तो पहला ये पूछता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम निकालना है। अब हम सबको पता है कि लैम्डा मिनिमम का क्या कंडीशन होता है। भाई देखो, लैम्डा मिनिमम का सिंपल सा कंडीशन होता है कि जो एनर्जी है डेल्टा ई, एनर्जी ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होती है। ठीक है, तो जब लैम्डा मिनिमम होगा तो वो जो एनर्जी है, दिस एनर्जी डिफरेंस, वो क्या चली जाएगी बोलो, मैक्सिमम चली जाएगी। उस वक्त लैम्डा ई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जब लैम्डा मिनिमम होगा एनर्जी मैक्सिमम होगी। और हम सबको पहले से ऑलरेडी पता है कि जब हम ग्राउंड ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, जिसको हम टोटल एनर्जी, वो इंक्रीज होती है। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है, कंजिग्यूटी डिफरेंस, ये वाली, ये जो डिफरेंस होती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कंजिग्यूटिव ऑर्बिट या सेल डेल्टा ई, वो डिक्रीज होती है। ठीक है ना, ये डिक्रीज होती है, डेल्टा ई डिक्रीज होती है और टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। ये हम सबको पता है पहले से कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब ये हुआ जो ग्राउंड है और ये फर्स्ट वाला जो है, ये वाली है, इसके बीच जो एनर्जी है डेल्टा ई डिफरेंस, वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर इनमें और इसमें देखोगे तो इसमें होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ग्राउंड को सर्टेन कंडीशन वन, वही ट्रांजिशन अलाउ होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो का डिफरेंस हो रहा है और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जनरेट कर गए। अब देखो, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल में इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना हो, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस चाहिए। और अगर ग्राउंड लेवल में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो टू से जंप नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, क्योंकि टू से अगर जंप करेगा, यहाँ टू से जंप करेगा तो टू -1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि फर्स्ट कंडीशन को वायलेट कर देगा, गलत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थ्री से जंपिंग होगी। ठीक है, तो जो है पहला कंडीशन है जो थ्री से अगर वन में जंपिंग हो, थ्री से वन में जंपिंग, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज मैक्सिमम होगा। थ्री से वन में अगर जंपिंग हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो का डिफरेंस है और एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलो, अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें बड़े आराम से, लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करो तो एच सी अपॉन डेल्टा ई एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू रख दो। तो एच सी नैनोमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 नंबर 402, और एच सी तो वन में जंपिंग हुई है, तो यहाँ से मुझे कहाँ से जंपिंग होगी, अब बोलो कहाँ से, थ्री से जंपिंग होगी। तो थ्री में एनर्जी कितना है, थ्री में एनर्जी है 1.5 और इसमें है -0.3, तो हायर वाले में से मैं कम को घटा दूंगा, तो माइनस, ये -1.5
और -13.6, तो फाइनली आ जाएगा 12 नंबर 402 और ये आ जाएगा 102.6। और फाइनली इसको जब ये 102 नहीं आएगा, ये आएगा ये 12.1। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 1.2.6 नैनोमीटर, ये जो है बच्चों, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट। चलो अब पार्ट टू सॉल्व करते हैं। पार्ट टू क्या कह रहा है कि लिस्ट द वेवलेंथ, वो सारे वेवलेंथ्स निकालो जो हाइड्रोजन एटम इमिट करता है इन द विजुअल रेंज। अब देखो विजुअल रेंज, यहाँ पर दो कंडीशन है, विजुअल रेंज 380 से 780 के बीच जो वेवलेंथ आएगी वो सारी वेवलेंथ निकालो विजुअल रेंज में जब ट्रांजिशन होगा। और कैसा ट्रांजिशन हो रहा बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 का डिफरेंस लेके। ठीक है, तो अगर मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूँ, चलो अगर इस प्रॉब्लम का अगर हम लोग बी पार्ट सॉल्व करें, तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ये बना लेते हैं एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है विजुअल रेंज, तो बच्चों विजुअल रेंज कहाँ होता है आपको पता होगा, पढ़े होंगे, विजुअल रेंज वार्मर सीरीज में होता है। ठीक है, जो जो वार्मर सीरीज में ट्रांजिशन होता है वो विजुअल रेंज में लाई करती है। ठीक है, तो बामर सीरीज के लिए पहले N1 कहाँ पे जंपिंग होगा, 2 पे। कहाँ से जंपिंग होगा, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी से। ठीक है, अगर 3 से 2 में जंपिंग हुआ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 का डिफरेंस आएगा, जो कि ये कंडीशन अलाउ नहीं करता जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, और अगर 4 से 2 में जंपिंग पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 4 से 2 में जंपिंग पॉसिबल है, तो 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलो अगर तो यहाँ पर अगेन डेल्टा ई एनर्जी जो है वो मिनिमम हो, डेल्टा एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ये ट्रांजिशन। वैसे मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं है, हमें विजिबल रेंज में ये कंडीशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये होल्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि विजुअल रेंज में पहली जो वेवलेंथ है, पहला जो वेवलेंथ है फर्स्ट लैम्डा, वो आएगा 3 से, वो आ जाएगा N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और N2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 में कितनी एनर्जी, -1.5, और 4 में है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जो λ1 आ जाएगा वो आ जाएगा SC/, ये एनर्जी डिफरेंस, SC 12 नंबर 402, और एनर्जी डिफरेंस अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 0.085 और -1.5। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका 2 में जंपिंग हुई ना, ये 1.5, 3.5, 3.4 होगा ना, ये सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया, तो 3.4 यहाँ पे आएगा, ये 3.4 है। ठीक है, 3.4, तो फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 नंबर 402 और ये 85, तो 2.85 आ जाएगा, 2.55 आ जाएगा। तो फाइनली जो इसको सॉल्व करोगे तो λ1 जो आ जाएगा वो 487 आ जाएगा, जो कि विजिबल रेंज में लाई करता है, 380 और 780 के बीच लाई करता है, 487। चलो तो दूसरा वेवलेंथ कब पॉसिबल होगा, तो जब दूसरा वेवलेंथ यहाँ से देखो, अब आराम से अच्छे से देखो, दूसरा वेवलेंथ 5 से 2 में ट्रांजिशन होगा इम्पॉसिबल, क्योंकि 3 का डिफरेंस आ जाएगा। और इसके बाद समझ रहे ना, इसके बाद 7 से, तो जो कि इसके हाइयर जो है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि 6 से होगा तो फिर 4 का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसके हाइयर जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो विजुअल रेंज में एक ही वेवलेंथ पॉसिबल होगा नैनोमीटर में, 487, जबकि ट्रांजिशन 2 से 4 से 2 में हुआ होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।